नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में। बेटा, शिक्षा प्रभा में जहाँ आपको बाकी सब्जेक्ट की आंसर कीज वगैरह मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं, इसके साथ ही साथ पेंटिंग का पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम में कराया जाता है। तो आप लोगों की डिमांड पर क्लास 11th का पूरा सिलेबस अपलोड किया जा चुका है। क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि अब आपका एनुअल एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आपका पूरे सिलेबस का एक वन शॉट वीडियो। आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले इसमें एनुअल एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिन चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है सबसे पहले प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, दूसरा सिंधु घाटी की कला, तीसरा मौर्य शुंग कुषाण एवं गुप्त काल में कला, चौथा अजंता की गुफाओं में कला, पाँचवा भारतीय मंदिर शिल्पकला के कलात्मक पहलू, छठा भारतीय कांस्य मूर्तियाँ और सातवां चैप्टर है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के कुछ कलात्मक पहलू। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला चैप्टर जो है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक क्या है? तो बेटा, वो वाला पीरियड जो ऐतिहासिक काल से पहले आता है उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में हमें कुछ रिटन में सबूत मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाला पीरियड जिसका कोई लिखित में हमारे पास कोई भी बुक वगैरह अवेलेबल नहीं होती है, या कहीं पे भी किसी भी इतिहासकार ने कुछ नहीं लिखा होता है, यानी कि इतिहास से पहले के टाइम को बोल देते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसका सिर्फ कुछ जो हम लोगों को मिले होते हैं, जैसे औजार या फिर कुछ चित्र वगैरह जैसे हमें प्रागैतिहासिक काल में मिले हैं, तो उसके अनुमान, उनके अनुमानों के आधार पर हम लोग टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। शिलाचित्र क्या है? किसी भी पहाड़ी या बड़े से पहाड़ या फिर शिला पर बनाए गए चित्रों को शिलाचित्र बोलते हैं, और शिलाचित्र जो बनाए गए थे वो प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए थे। तीसरा है कि क्या भाग हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को हम बहुत अच्छे से समझ पाए इसलिए इतिहासकारों ने उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला पूर्व प्रागैतिहासिक काल, दूसरा मध्य प्रागैतिहासिक काल और तीसरा नव प्रागैतिहासिक काल या नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख कला केंद्र प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से थे? तो बेटा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नामक जगह पर हमें प्रागैतिहासिक चित्र मिले थे। इसके अलावा लिखुनिया, भंडरिया, ठीक, मध्य प्रदेश के अंदर हमको पंचमणि, भीमबेटका, ये जो जगह हैं जहाँ पर हमको चित्र मिले थे, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर हमें मिले थे। इसके अलावा हमें पंजाब में भी मिले हैं, गुजरात में भी कुछ ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ पर हमें प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिले हैं। अब ये कला केंद्र कैसे होते थे, ठीक है? तो जो मानव था उसको घर बनाना, मकान बनाना आता नहीं था, तो वो ऐसी जगहों पर अपने लिए ठिकाना ढूंढता था जहाँ पर वो बारिश और धूप से बच सके, यानी कि प्राकृतिक निर्मित गुफाओं को वो अपना ठिकाना बनाता था रहने के लिए। और जहाँ पर वो रहता था वहीं पर वो उन्हीं पहाड़ों पर, उन्हीं पहाड़ियों पर, उन्हीं शिलाओं पर वो चित्र बना दिया करता था। तो अब रहता कहाँ था? वो अधिकतर ऐसे झुंड बना के रहा करते थे, तो उनको रहने के लिए एक से ज़्यादा गुफाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो कहीं कहीं पर 50 गुफाएँ मिली है, मिर्ज़ापुर में से 100 गुफाएं मिली हैं, और सबसे ज़्यादा गुफाएं हमको भीमबेटका में मिली हैं, जो कि लगभग 600 गुफाएं उन दिनों थी। आज की डेट में वो 275 गुफाएं सुरक्षित हैं। 275 गुफाएं भीमबेटका में हम आज भी देख सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वो 600 गुफाएं होती थी जहाँ पर ये मानव निवास करते थे। अब भीमबेटका हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? भीमबेटका हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा
कला केंद्र, यानी कि 600 गुफाएं मानव द्वारा निर्मित कला से, 600 गुफाएं अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर मिलती हैं तो वो सिर्फ इंडिया में मिलती है और मध्य प्रदेश में मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की विशेषताएं क्या क्या थी, तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में जो रेखा हम लोग देखते हैं तो वो रेखा है आड़ी, तिरछी, मतलब बहुत लयदार रेखा आदि मानव ने या प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने नहीं बनाई है, ठीक है। किस तरह के रंगों का उसने प्रयोग किया, तो खनिज रंगों का प्रयोग उसने किया जो कि उसे प्रकृति से ही मिलता था। और रंग कौन कौन से थे, लाल रंग था जो कि वो गेरू से ले लेता था, सफ़ेद रंग वो खड़िया से ले लेता था, और काला रंग या तो वो काजल से ले लेता था जो आग जलाने के बाद उसको मिलता था, ठीक है। तो मेनली इन तीन रंगों का प्रयोग ही प्रागैतिहासिक काल में मानव ने किया है। इसके अलावा कैसी आकृति जो है वो प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने बनाई है, तो डमरूनुमा आकृति, कुछ इस तरह की आकृति जिसको आजकल हम वर्ली भी बोल देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की आकृति बनाई है प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने, ठीक है। और यही एक लोक कला है महाराष्ट्र में जिसको हम वर्ली भी बोल देते हैं, इसको हम डमरूनुमा आकृति बोलते हैं, या सीढ़ी नुमा आकृति अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह की आकृति है। इसका निर्माण भी जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव है उसने अपने चित्रों में किया है। इसके बाद कौन से विषय पर प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था उसने चित्र बनाए हैं, तो उसका जो पसंदीदा विषय था वो था शिकार। शिकार को हम आखेट भी बोल देते हैं, आखेट विषय पर, शिकार विषय पर उसने चित्र बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं, क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं थी, उसकी कोई लिपि नहीं थी, लिखना पढ़ना वो जानता नहीं था, बोलना वो जानता नहीं था, इसलिए वो अपनी क्रियाओं को जो उसने की है या जिनको वो करने वाला है या वो करना चाहता है उनको वो चित्रों के माध्यम से ही अपने दूसरे साथी तक पहुँचाते थे। तो और उनका मेन काम क्या था, जीवित रहने के लिए खाना खाना। तो अब खाना वो खाएगा कब, जब वो शिकार करेगा, तो एक तरह से शिकार ही उसका प्रमुख विषय था। इसके अलावा जादू टोना टोटका ये सारे चित्र भी मिर्जापुर की गुफाओं में हमको देखने मिलते हैं प्रागैतिहासिक कालीन मानव के। इसके बाद प्रागैतिहासिक कालीन शिला चित्र चैप्टर से जो एक चित्र आपके सिलेबस में है वो है भीमबेटका का चित्र, जादूगर का नृत्य। देख लेते हैं जादूगर का नृत्य चित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं। उससे पहले बेटा, शिक्षा प्रवाह चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए, ऑफिशियल आंसर की के लिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी के लिए एक क्यूट सा थैंक यू। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं जादूगर का नृत्य चित्र पर। आपको आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है वो जादूगर का नृत्य है और कुछ वही डमरूनुमा आकृति यहाँ पर आपको दिख रही है। प्रागैतिहासिक कालीन शिला चित्र से एक यही चित्र है जो आपके सिलेबस में है, ये भीमबेटका से मिला है। चित्रकार उन दिनों कौन हुआ करते थे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ी आकृति आपको नज़र आ रही है जो कि एक जादूगर की है, जो कि एक वाद्यंत्र बजा रहा है। पास ही में कोई शिकार इन्होंने किया है जो कि मरणासन अवस्था में है, और इसी के साथ ही साथ इस शिकार को करने के बाद ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये उत्सव मनाते आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है, खनिज रंगों से बना हुआ है, और अगर आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो एक मृत प्राय, मतलब लगभग मरा हुआ जीव पड़ा है जो तड़प रहा है, जादूगर है जो वाद्यंत्र बजा रहा है, और जो बाकी के लोग हैं वो हाथ में हाथ पकड़ के नृत्य मुद्रा में हैं और आनंद ले रहे हैं। सफ़ेद रंग से इस चित्र को बनाया गया है, तो यही सब इस चित्र की विशेषता है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है सिंधु घाटी की कला। तो सिंधु घाटी की कला में सबसे पहले बात आ जाती है कि सिंधु सभ्यता है।
एस सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई उसको सिंधु सभ्यता बोल देते हैं, और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा केंद्र है वहाँ पर सबसे पहले खुदाई हुई थी, जो खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी ने 1921 में। यानी कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के जो अवशेष थे वो हमें मिले थे हड़प्पा से, इस कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हो गया हड़प्पा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वहाँ खुदाई हुई थी। उसके बाद जो उसका सबसे बड़ा मतलब एक नगरीय सभ्यता वाला केंद्र था वो था मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा लोथल, जहाँ पर ऐसे बंदरगाह वगैरह भी था, ठीक है, क्यों, क्योंकि व्यापार सिंधु सभ्यता का सबसे मतलब मुख्य व्यवसाय था, व्यापारी थे वो, सभी लोग व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से उनका लेन देन हुआ करता था, तो वो किसके समुद्री मार्ग से होता था और वो लोथल में था। इसके अलावा चहुंद्रो, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, चहुंद्रो, ये इसके प्रमुख केंद्र थे सिंधु सभ्यता के। कला के स्रोत क्या हैं, तो यहाँ पर कोई भी चित्रकार नहीं होते थे कि हाँ भाई चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं जो वो चित्र बना रहे हैं और उन चित्रों के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी की कला। सिंधु घाटी की कला है कला के लिए जिसको हम स्रोत मानते हैं वो है वहाँ की मोहरें, ठीक है, मोहरें जिनको हम बोल देते हैं मतलब सिक्का, ठीक है, आज के टाइम पे जो हमारी मुद्रा है, तो उस वक्त सिक्के चलते थे, तो उन सिक्कों के पीछे जो चित्र बने हुए होते थे, जो उकेरे गए होते थे, जिसको रिलीफ प्रिंटिंग बोलते हैं आज के टाइम में हम लोग, तो वही सिंधु घाटी कला थी, है ना, और उसी के आधार पर हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई, कांस्य धातु से कुछ मूर्ति शिल्प बनाए, उनको ही हम कला में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी में कला के तौर पर पढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बुक में दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिसमें सबसे पहला है नर्तकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नर्तकी। इस नर्तकी को अगर आप आज की डेट में देखना चाहते हो तो आप राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी जा सकते हो। ये एक कांस्य धातु से बनी हुई है, आपको चित्र में आगे से और पीछे से ये कैसी दिखती है वो दिख रहा है, तो इसके जो बाल हैं वो लगभग जूड़े की तरह इन्होंने बाल जूड़े की तरह इन्होंने बना रखे हैं, और जो इसका हाथ है अगर आप हाथ को देखोगे तो वो उसका अनुपात बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर इन्होंने नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर चेहरा इन्होंने नहीं बनाया, वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो गले में इन्होंने कुछ त्रिफूलिया डिज़ाइन का एक पहना हुआ है, ठीक है, एक जो हाथ है जो इनका उल्टा हाथ है उस हाथ में इन्होंने एक पात्र पकड़ा हुआ है, जिसको हम भिक्षा पात्र एक तरह से बोल दे रहे हैं कि भाई कटोरा हाथ में ले रखा है। जिस तरीके से ये महिला यहाँ पे खड़ी है देख करके लग रहा है या तो इसने नृत्य अपना कर लिया है या तो ये नृत्य आरंभ करने वाली है, मतलब नृत्य मुद्रा में है, और जो इसका पैर है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, कौन सा वाला पैर, उल्टा वाला पैर, बायां पैर। मधुशिष्ट शैली में इस मूर्ति शिल्प को बनाया गया है और लगभग 2500 ईसा पूर्व इसका जो समय है माना जाता है, ठीक है, तो इसकी जो नाप है, मूर्ति की जो नाप है वो है 4.5 इंचेस इसकी हाइट है इस मूर्ति शिल्प की। इसके अलावा जो दूसरा मूर्ति शिल्प है वो है पुरुष धड़, ठीक है, ये एक चूना पत्थर से बना हुआ है, जिसके अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके कंधों पे और जो इसकी गर्दन है वहाँ पर इसको ऐसे फिक्स करने वाला कुछ है कि मतलब यहाँ से इसको इसके अंदर हाथ फिक्स हो जाएंगे या गर्दन फिक्स हो जाएगी, इस तरह से खिलौना टाइप का इसको बनाया गया है, ठीक है, और ये आधा है जांघों तक का शरीर इस पुरुष धड़ का बनाया गया है, सर इसका है नहीं, लाल चूना पत्थर से इसको बनाया गया है, 2500 ईसा पूर्व है, और इसको भी आप आज की डेट में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देख सकते हो, और ये जिस जगह से मिला है वो है हड़प्पा। और जो आपने ये नर्तकी को पढ़ा था, ये नर्तकी कहाँ से आपको मिली थी, ये मिली थी मोहन जोदाड़ो से, ठीक है,
ये पुरुष धड़ आपके सिलेबस में है। तीसरा है मातृ देवी, ये है मिट्टी की मूर्तियाँ, बहुत अधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं और अलग अलग तरह से बनी हुई, जैसे दो मूर्तियाँ यहाँ पर आपको दे रखी हैं, है ना, ये दोनों ही मातृ देवी है और अलग अलग तरीके से इनको लगभग बनाया गया है। इसी तरह से मिट्टी की और भी मूर्तियाँ मिली हैं जिनको हम मातृ देवी की मूर्ति बोलते हैं। तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो है आकृति फर्स्ट, ये जिस अगर मातृ देवी की मूर्ति का विवरण करने आपको आ जाता है तो आप इस मूर्ति का विवरण नहीं करेंगे, आकृति फर्स्ट का विवरण करेंगे। अब इन दोनों में अलग है, जैसे इसका एक हाथ है, इसका दूसरा हाथ नहीं है, लेकिन जो आकृति फर्स्ट है उसके दोनों हाथ कंधों तक है, उसके बाद उसके हाथ है ही नहीं। जो सेकंड मूर्ति है वो पूरी मतलब खड़ी अवस्था में है, उसके पैर भी हैं, लेकिन ये वाली मूर्ति है इसके पैर नहीं है। इस तरह से हमको इस मूर्ति शिल्प का विवेचन करना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है सिलेबस में वो है मौर्य शुंग कुषाण तथा गुप्त काल में कला। तो मौर्य काल कौन सा था, वही वाला मौर्य काल चंद्रगुप्त वाला, ठीक है, जिसने धनानंद को मारा था और फिर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ये एक बड़ा साम्राज्य था जो सबसे पहले भारत में स्थापित हुआ, ठीक है, मतलब एशिया में भी हम बोल सकते हैं। तो इसी के अंदर आगे जाके सम्राट अशोक भी आए जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते होते थे, ठीक है। मौर्य काल की कुछ कलाकृतियाँ आपके सिलेबस में हैं। तो सुंग काल में क्या हुआ था, मौर्य काल की कलाकृतियाँ देखेंगे। उससे पहले जो मौर्य काल में कला हुई, जो कला बनाई गई, जैसे कि स्तूप बनाए गए, स्तूप क्या होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग ऐसे मतलब ऐसे पूजा प्रार्थना करते रहते हैं, दो तरह के होते हैं चैत्य और विहार, है ना, ठीक है। तो मतलब ऐसे जहाँ पे रहते हैं उनको विहार और जहाँ पे पूजा करते हैं वो चैत्य, तो एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर, ठीक है। तो उनका निर्माण मौर्य काल में हुआ, लेकिन उनको जो है मरम्मत कराई गई, छोटे से बड़ा आकार प्रदान किया गया, वो सब किया गया शुंग काल में। शुंग काल में कोई एक अलग से कला का निर्माण नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा पीरियड भी शुंग काल नहीं था, ठीक है। तो अब मौर्य काल का जो है सिलेबस में आपके वो क्या है, तो सबसे पहले जो सिंही शीर्ष इस वक्त आपको दिख रहा है वो मौर्य काल पीरियड का है, और किसके समय में, सम्राट अशोक के समय में इसको बनाया गया है। आप देखते हो ना, एक रुपए के सिक्के पर भी ये हमको, पुराने जो एक रुपए के सिक्के होते थे उनके ऊपर ये बना मिलता था, ठीक है। ये जो है राष्ट्र चिन्ह है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, इस चिन्ह की विशेषता क्या है कि ये जो शेर आपको दिख रहे हैं वो चारों दिशाओं में दिखेंगे, तीन दिशाओं में आपको दिख रहा है और एक दिशा जहाँ नहीं दिख रहा तो वो पीछे, यानी चार सिंह हैं जो पीठ से पीठ मिला करके खड़े हुए हैं, मतलब खड़ी हुई अवस्था में है, और इनके जो पैर हैं उनके नीचे आपको एक चक्र मिलेगा और इस चक्र में 24 तिल्लियां मिलेंगी। हर शेर के पैरों के नीचे एक चक्र है और दो चक्रों के बीच में एक पशु है, और वो पशु कौन सा है, घोड़ा, बैल, हाथी, हिरण, ठीक है, ये चार पशु हैं, ठीक। ये राष्ट्र चिन्ह जो कि सम्राट अशोक ने हमको दिया है, है ना, और कहाँ पर हमको ये मिलेगा, सारनाथ स्तंभ के ऊपर, मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में ये सारनाथ नामक जगह है जहाँ पर हमको ये सिंह शीर्ष मिल जाएगा जो कि सारनाथ स्तंभ के ऊपर था, ठीक है। अब वर्तमान में ये आपको कहाँ देखने मिल जाएगा, तो वर्तमान में आप सारनाथ संग्रहालय, कभी उत्तर प्रदेश आपका जाना हो तो वहाँ पे सारनाथ संग्रहालय में आप इसको जा करके देख सकते हो। इसके नीचे जो पूरा चिन्ह है उस चिन्ह के नीचे कमल की आकृति भी है, जैसे उल्टा कमल होता है ना, कुछ इस तरह की आकृति जिसको हम बोल देते हैं चौकी, ठीक। ये मौर्यकालीन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये डिटेल आप लोग यहाँ पर, थोड़ा टाइम आपको मिले तो आप इस को पढ़ लीजिएगा, जो चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां वो दिन के 24 घंटों को यहां पर दिखा रही हैं, ठीक। अब ये है चोरी वाहक अथवा यक्षिणी, इसको चोरी वाहक यक्षिणी या आगे और पीछे से दोनों तरफ से आपको ये मूर्ति शिल्प दिखाया गया है। तो ये भी मौर्यकालीन मूर्ति शिल्प है जो पटना से मिली है, पटना के दीदारगंज मोहल्ले से ये मूर्ति शिल्प मिली है, मौर्यकालीन है, और इस मूर्ति पर जो औपदार पॉलिश हुई है वही इस मौर्य कला की प्रमुख विशेषता है। ऐसी पॉलिश उसके बाद आज तक हमें देखने नहीं मिली, और आज तक नहीं, खराब नहीं हुई है पॉलिश,
पॉलिशिंग मूर्तियों पर से देखने में आज भी ये नई जैसी ही लगती हैं, बेशक ये थोड़ा बहुत टूट फूट गई हैं। ठीक है, तो दूसरा ये चोरी वाहक ही है। इस चोरी वाहक मूर्ति को अगर आप देखोगे तो जो इसका उल्टा हाथ है वो टूटा हुआ है, सीधे हाथ में इसने ऐसे वो होता है ना जैसे हिलाने के लिए, जिससे मक्खी मच्छर ना बैठे आसपास, है ना। तो एक तरह से ये दासी है जिसका काम ऐसे अपने सम्राट या किसी का भी ऐसे मक्खी वगैरह उड़ाने का काम इनका रहा होगा। ठीक है, माथे पर इन्होंने आभूषण पहने हुए हैं, सर के पीछे बाल इनके बंधे हुए हैं, शरीर के ऊपरी भाग में इन्होंने वस्त्र नहीं पहने लेकिन नीचे एक धोती इन्होंने पहनी हुई है, पैरों में भारी भारी आभूषण इन्होंने पहने हैं। ठीक है, तो ये थे मौर्यकालीन, जो मौर्य काल से आप लोगों के जो पूछा गया है चित्रकला, जो कुछ कला के पार्ट्स आपको दिए गए हैं। अब है कुषाण काल की। अगर हम बात करें तो मौर्य काल के बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है कुषाण काल, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ किस कारण, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली के कारण। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मथुरा बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, मथुरा कला के पर जो है मूर्तियों का निर्माण, देखिए दोनों जो है वो मूर्ति कला शैली है, मथुरा वाली में भी और गांधार में भी, लेकिन मथुरा में जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण मौर्य काल से होते आ रहा है, मतलब सुंग से पहले, कुषाण से पहले सुंग था, सुंग से पहले मौर्य था। तो मथुरा में तो मूर्तियां बन रही थी, कौन सी मूर्तियां, वही सब जो मृण मूर्तियां आप लोग देख रहे हैं। लेकिन गांधार कला शैली एक ऐसी कला शैली है जो सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व में आती है कुषाण के पीरियड में। ठीक है, कुषाण पीरियड में ही गांधार कला अचानक से निकल करके आती है, और जैसे ही कुषाण काल का अंत होता है, गुप्त काल शुरू होता है, तो गांधार कला शैली लुप्त हो जाती है। अब इसकी विशेषता क्या थी, गांधार कला शैली में सिर्फ महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्ति शिल्प बने थे और जिनका आकार सामान्य से बहुत अधिक बड़ा था, और उसमें ये विशेषता थी कि वो जिस तरह से एशियन पीपल होते हैं उनकी तरह महात्मा बुद्ध को नहीं दिखाया गया था, उनके ऊपर कुछ ग्रीक और रोमन कला का प्रभाव था, इसलिए इसको ग्रीको रोमन कला या हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी गांधार कला को जाना जाता है, और सिर्फ यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्ति शिल्प का ही निर्माण किया गया। और जिस पत्थर का प्रयोग इन मूर्ति शिल्प को बनाने में किया गया वो था स्लेटी पत्थर। ठीक है, स्लेटी पत्थर का प्रयोग गांधार कला शैली में किया गया, जबकि मथुरा कला शैली में हल्का गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। और यहाँ पर सभी धर्मों से संबंधित चित्र जो है मथुरा कला में हमको देखने मिलते हैं, यानी विष्णु का चित्र भी आपको मिलेगा, शिव का भी मिलेगा, बुद्ध का भी मिलेगा, जैन तीर्थंकरों के चित्र भी हमको मथुरा कला में देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में मथुरा या गांधार से कौन सा है, तो वेरी गुड, ये जो फेस आपको दिख रहा है ये ग्रीको रोमन कला यानी कि गांधार कला का ये एक चित्र है, जो कि आपको कहाँ से मिला है, तक्षशिला और तक्षशिला पाकिस्तान से। तो ये है कुषाण कला गांधार शैली, जो जैसा कि मैंने आपको बताया बोधिसत्व शीर्ष है कुषाण काल का है, गांधार शैली तक्षशिला पाकिस्तान से मिला है। ठीक है, और आज की डेट में यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके जो बाल है वो घुंघराले हैं, बंधे हुए हैं, माथे पर बिंदी हैं, बड़े बड़े कान, और बहुत ही एक सुंदर सा फेस इसको, मतलब भगवान बुद्ध का अधकुली आंखें हैं। ठीक है, और लगभग तिरछा त्रिभंग मुद्रा में ये फेस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अलावा ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है एक जैन तीर्थंकर का, और इस चित्र को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक श्रीवस्त्र का चिन्ह दिखेगा जैन तीर्थंकर के सीने पर। और ये जो जैन तीर्थंकर हैं ये हैं गुप्तकालीन कला। ठीक है, पूरा जो फेस आपने अभी देखा वो पूरी तरह से ग्रीक कला पर आधारित था, और ये जो फेस आप देख रहे हो पूरी तरह से भारतीय, जैसा कि एशियन पीपल्स के होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े होंठ, अधकुली आंखें, बड़ा भारी फेस, घुंघराले बाल, ये है जैन तीर्थंकर का मूर्ति शिल्प, जो कि गुप्त कला का उदाहरण है। कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, तो इसको अगर हम देखते हैं
तो बेटा ये बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। जयंत तीर्थंकर है, गुप्त काल के हैं और मथुरा शैली जो है। अब आप कहेंगे जी दोबारा से मथुरा आ गया, तो मैंने आपको बताया ना कि मथुरा कला में जो है वो मौर्य काल से चित्र बनते रहे, शुंग में बनते रहे, कुषाण में बनते रहे, और कुषाण के बाद वो लोग ऐसे गुप्त काल में भी मथुरा कला केंद्र पर मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ है। मूर्ति कला का प्रमुख कला केंद्र था सारनाथ और मथुरा। लेकिन जो गांधार कला थी वो सिर्फ कुषाण के पीरियड में ही आई और कुषाण के पीरियड में ही चले गई। ये जयंत तीर्थंकर जो हैं वो आप लखनऊ में इनको देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में राज्य संग्रहालय है लखनऊ का, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये था आपका चैप्टर नंबर 4। मतलब वैसे चैप्टर अलग अलग हैं, बुक्स में अलग अलग हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक के बाद सिंधु, सिंधु के बाद गुप्त मौर्य और ये सब, और उसके बाद 4 नंबर पर है आपका अजंता की गुफाओं में कला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अजंता का जो पीरियड है वो लगभग अजंता में 700-800 वर्षों तक लगभग मूर्ति शिल्प और चित्रों का निर्माण, गुफाओं का निर्माण होता रहा। सबसे सुंदर मूर्ति शिल्प की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आ जाता है अजंता का। सबसे सुंदर मूर्ति शिल्प भारतीय कला के इतिहास में या चित्र अगर हमें मिलते हैं दीवारों पर, गुफाओं पर, शिलाओं पर, तो वो हमें मिलते हैं अजंता में, है ना। इसके बाद मतलब जैसे चित्र जो ऐसे पेंसिल से बने हुए हैं, सरफेस पे बने हुए हैं, पेपर सरफेस पे या पत्तों पर जो बने हुए हैं, तो उसको हम आगे जब आप 12th में जाओगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे पहाड़ी कला, राजस्थानी, तो उसके अंदर वो चित्र हमें बहुत सुंदर मिलेंगे। अब लगभग ये अजंता में बनना शुरू हुआ शुंग काल से, ठीक है। शुंग काल से यहाँ पर चित्र बनने, अजंता की गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ और वो लगभग गुप्त काल तक चलता रहा। और सबसे सुंदर जो चित्र या वो बने, तब वो बने किस में, गुप्त काल में, ठीक है। गुफाओं की संख्या कितनी थी, तो लगभग 30 गुफाएं, लगभग नहीं मतलब टोटल 30 गुफाएं अजंता में बनी हैं, जिनमें संख्या तो ऐसे पड़ी हुई है 1 से लेकर के 29 तक, क्योंकि 15A और 15B करके दो गुफाओं का नाम है, तो 15 दो बार आ गई, इस तरह से संख्या 29 पड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के वो 30 गुफाएं हैं। एक अर्धचंद्राकार इस तरह से इनकी स्थिति है, इस तरह से इन पर नंबरिंग पड़ी हुई है, जो कि 29 तक पड़ी हुई है नंबरिंग, जैसे घोड़े की नाल होती है या अर्धचंदा, अर्धचंदे के आकार में, ठीक है। तो जो 15वीं गुफा है, 15वीं और 16वीं गुफा है, वो एकदम शीर्ष पे जा रही है, तो सबसे ऊंची है। अगर हम अजंता गांव में जाते हैं जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें वहाँ से ये अजंता गुफाएँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो जो 15वीं और 16वीं गुफा है वो सबसे पहले हमारी नज़र उन पर पड़ती है, क्योंकि सबसे ऊँचे पर यही दोनों गुफाएँ हैं। सबसे सुंदर गुफा जो अजंता में मानी जाती है वो गुफा संख्या 16 मानी जाती है, कि वहाँ पर बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं, मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। और सबसे सुंदर रंग अगर हम बात करें तो अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे सुंदर रंग भी भरे गए हैं। अब कौन कौन सी गुफाओं में हम अजंता के चित्र देख सकते हैं, तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17, इन 6 गुफाओं में हम चित्र देख सकते हैं, जिसमें सबसे सुंदर चित्र 16 और 17 में बने हैं। गुफा संख्या 1 और 2 सबसे नई गुफा हैं, ठीक है, सबसे नई मतलब सबसे लास्ट में बनी है, और गुफा संख्या 9 और 10 सबसे प्राचीन गुफा हैं, जो कि सुंगकालीन है, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान क्या है और महायान क्या है, तो हीनयान मतलब वो वाला पीरियड जिसके अंदर महात्मा बुद्ध को एक दिव्य पुरुष के रूप में जाना जाता है। उस वो उन लोगों का मानना है कि वो एक दिव्य पुरुष थे, वो भगवान नहीं थे, लेकिन महायान संप्रदाय के लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, महात्मा बुद्ध तो भगवान थे। तो मूर्ति पूजा महायान वाले करते हैं, हीनयान वाले उनकी कोई मूर्ति पूजा करते नहीं हैं। तीसरा जो हमारे लिए एक वर्ड है वो है चैत्य और विहार, ठीक है। चैत्य और विहार मैंने अभी थोड़ा देर पहले तुम लोगों को ऐसे बताया भी, चैत्य होता है वो जगह जहाँ पर भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो पूजा प्रार्थना करते हैं, एक तरह से बौद्ध भिक्षुओं के मंदिर को चैत्य बोलते हैं, और विहार जहाँ पर वो निवास करते हैं, रहते हैं, उनके घर को
विहार बोलते हैं, आराम स्थल को विहार बोलते हैं। तो अजंता में जो वो 30 गुफाएं हैं उनमें से जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य हैं और बाकी विहार है। मतलब 5 जगह पर सिर्फ पूजा ही पूजा होती थी, वहाँ पर आप रुक नहीं सकते थे। और वो कौन कौन सी गुफाएं? 9, 10, 19, 26 और 29। 9, 10, 19, 26 और 29 ये जो 5 गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं अजंता की 30 गुफाओं में से। इसके अलावा जो बाकी गुफाएं बचती हैं वो विहार गुफाएं हैं। आप बने हैं चित्र और मूर्ति, तो अधिकतर मात्रा में चित्र बने हैं, मूर्ति तो सिर्फ बहुत ही कम बनी है, जिसमें आपके सिलेबस में एक मूर्ति शिल्प है मार विजय मूर्ति शिल्प, जो कि गुफा संख्या 26 में बना हुआ है। ठीक है, तो अब किन विषयों पर चित्र बने हैं अजंता में? तो अजंता में जो चित्र बने हैं उनका विषय है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं भगवान बुद्ध की, मतलब जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं, है ना, और एक तरह से पूरी की पूरी भगवान बुद्ध पर आधारित ही है, कोई और धर्म पर आधारित चित्र अजंता में हमको देखने नहीं मिलते। अब है तकनीक, किस तकनीक से चित्र बनाए गए हैं? तो फ्रेस्को टेम्परा इसको बोला गया है। फ्रेस्को दीवार पर जो चित्र बनाते हैं, फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सिको उसको बोल देते हैं, और उसके अंदर टेम्परा यानी कि जब रंगों को अपारदर्शी बना दिया जाता है तो उसको बोल देते हैं टेम्परा। गीली भित्ती पे जो चित्र बनते हैं उसको, मतलब हमने एक दीवार पे प्लास्टर किया और जब वो प्लास्टर सूखा नहीं है और गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाना, रंग भरना शुरू कर दिया, तो वो कहलाएगा फ्रेस्को बूनो। और हम उस प्लास्टर को अगर सूखने देंगे और सूखने के बाद उस पर चित्र बनाएंगे तो वो कहलाएगा फ्रेस्को सिको। और उसके अंदर जो हम रंग भरेंगे उस रंग को अगर हम अपारदर्शी कर देंगे तो वो कहलाएगा टेम्परा। तो अजंता की जो टेक्निक थी वो फ्रेस्को प्लस टेम्परा, यानी बूनो भी बनी है, सिको भी बनी है, लेकिन टेम्परा के साथ बनी है। अब जो दो एक चित्र आपके सिलेबस में है वो है पद्म पाणी बोधिसत्व, और ये पद्म पाणी बोधिसत्व आपको मिलेगा अजंता की गुफा संख्या 1 में। ये इसकी मेन आकृति है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध की आकृति है। ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में ये खड़े हुए हैं, मतलब कि इनका जो शरीर है वो 3 तरफ से घूम रहा है। इसके अलावा जो इनका चेहरे पर जो ये मुकुट आपको दिख रहा है ये इनकी प्रमुख विशेषता है। ये आपको दोनों भौहें आपस में मिलती हुई दिख रही हैं, यानी बीच में गैप नहीं है, जैसे कि आपकी और मेरी भौहों के बीच में लगभग गैप है, खाली जगह है, ऐसे भगवान बुद्ध की दोनों भौहों को एक ही रेखा से मिल करके बना दिया गया है। ठीक है, इनका जो सीधा हाथ है वो सीधे हाथ में उन्होंने एक पुष्प पकड़ा हुआ है, जिसको पद्म यानी कि कमल का फूल इन्होंने पकड़ा हुआ है, कली अधखिली कली इन्होंने पकड़ी हुई है, इसलिए इसको पद्म पाणी बोधिसत्व का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इस चित्र के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो गुफा संख्या 1 से ये चित्र मिला है, मैं आपको बता दिया है अजंता है और अजंता महाराष्ट्र में है, ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ। तो अजंता की गुफाएं अगर आपको जाना है देखने तो कहाँ जाना पड़ेगा? महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। औरंगाबाद में अजंता एक गाँव आएगा और अजंता गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की गुफाएँ स्थित हैं। इस ये वाला चित्र जो बना था वो 5वीं शताब्दी में बना था, जल रंगों से बना था, टेम्परा तकनीक से बना था। ठीक है, कौन इन चित्रों को बनाते थे उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये बाकी सब चित्र की डिटेलिंग है, इसको आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। आपके पास बुक भी होगी, बुक नहीं है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक मूर्ति शिल्प है जो आपके सिलेबस में है, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो है मार विजय। ये मार विजय मूर्ति शिल्प आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भगवान बुद्ध को बीचों बीच बैठे हुए दिखा रखा है और इनके ऊपर एक मार
की सेना, मार है कामदेव। आपने भगवान शिव और कामदेव का वो सब विवरण सुना होगा, तो कामदेव को यहाँ पर मार नाम से पुकारा गया है। तो कामदेव ने ऐसे भगवान बुद्ध तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने अटैक कर दिया अपनी सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ और अपनी सेना के साथ, अप्सराओं के साथ, जिससे कि महात्मा बुद्ध की जो तपस्या है वो भंग हो जाए, टूट जाए। क्योंकि इंद्र को लगा अगर ये जीत जाएगा, ये तपस्या जीत जाएंगे मतलब, तो ये मेरा कहीं सिंहासन मुझसे ना ले लें। तो इस तरह के डर से उसने अपने जो दरबार में थे कामदेव, जिनको मार के नाम से जाना गया है, उनको भेजा। लेकिन कुल मिला के क्या हुआ, ये सब लोग ऐसे भगवान बुद्ध पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, भगवान बुद्ध की तपस्या को नहीं हटा पा रहे हैं। तो इस कारण से जो कामदेव है वो हार गए हैं भगवान बुद्ध से, इसलिए इस मूर्ति शिल्प को नाम दिया गया है मार विजय। ये गुफा संख्या 26 में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। बाकी डिटेलिंग आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कि क्या ही इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नहीं तो बुक आप सभी के पास होगी। अगर आपको इनके चैप्टर का सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए, तो वो इनका हर चैप्टर वाइज जो वीडियो है वो आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से इनके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो सिलेबस में है, भारतीय मंदिर शिल्पकला के कलात्मक पहलू। तो भारत में जो था, आप लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, ठीक है, सिंधु सभ्यता पढ़ ली, फिर अजंता तक आ गए, मानव निर्मित गुफाओं तक आ गए। अभी क्या हो रहा है कि मानव ने मंदिरों का निर्माण किया, तो मंदिर में किस तरह की कला को उन्होंने दिखाया, उनके बारे में बात करनी है। तो उसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो है गंगा का अवतरण, जो पल्लवकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। तो पल्लव काल कहाँ पर था, ये पल्लव वंश कहाँ पे था, तो साउथ में था, इंडिया के साउथ में था, तमिलनाडु में था। तो गंगा का अवतरण मूर्ति शिल्प पल्लव काल में है, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है, तमिलनाडु भारत में। ग्रेनाइट चट्टान पर यह बना हुआ है 7वीं शताब्दी, और भारतीय पुरातत्व विभाग में आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूर्ति शिल्प को देखेंगे तो यहाँ पे दो ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टान है, ये और ये, और उसके बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है। जो बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो ये देखिए, ये नाग परिवार आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि बीच में जो है ये नागराज, और फिर ये नीचे नागरानी और नाग परिवार यहाँ पर चित्रित है। और पूरी की पूरी शिलाओं को ऐसे लग रखा है जैसे कि हाथियों ने अपनी पीठ पर उठा रखा है। इस महाबलीपुरम में ग्रेनाइट चट्टान में बहुत सी आकृति दिख रही है, जिसके अंदर आपको एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति दिख रही है। कहाँ है वो दाढ़ी वाला योगी, जिसको भगीरथ के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है? देखो, ये रहे वो योगी जो कि हाथ ऊपर करके ऐसे तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। चित्र को अर्जुन का रथ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वही दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके अंदर भगीरथ जो है गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव की, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानवरों के चित्र यहाँ पे इस चट्टान पे दिखाए गए हैं, मनुष्य के चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। ये वही वाला मूर्ति है, बड़ा वाला, जो अभी मैंने आपको दिखाया है, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं जिससे कि वो सूख गए, उनके फेफड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इसको थ्योरी को, इस मूर्ति की थ्योरी को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम गंगा का अवतरण का नाम क्या है, अर्जुन का, तप बता दिया मैंने आपको ये भी, ठीक है। और इस चैप्टर से एक है त्रिमूर्ति, जिसको महेश मूर्ति के नाम से जाना जाता है, त्रिमूर्ति क्योंकि इसके तीन फेस हैं मूर्ति के, ठीक है। कोई तो कहता है ये तीनों ही भगवान शिव के रूप हैं, बीच वाला साइड वाला रौद्र रूप है, बीच वाला सौम्य रूप है, और कुछ लोगों का मानना है भगवान शिव उनकी पत्नी उमा और ब्रह्मा जी का फेस है,
तो इस मूर्ति की विशेषता ये है, जो इसकी मेन विशेषता है वो है इस मूर्ति का ये होंठ। तो जो ये होंठ हैं, आप तीनों मूर्ति को देखोगे तो ऊपर वाले होंठ की तुलना में नीचे वाला जो होंठ है वो थोड़ा मोटा और नीचे की तरफ लटका हुआ है। यही इस मूर्ति शिल्पों की मुख्य विशेषता है। ये एलिफेंटा से मिली है। एलिफेंटा में 9 मूर्ति शिल्प मिले हैं। उन 9 में से एक मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति है, 9वीं शताब्दी में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संग्रह में है। ठीक है, जो 3 रूप बताए ना, सदाशिव, महेश्वर, महेश मूर्ति, भव्य शांत सौम्य, वो सब है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण, जो कि आपको दिख रहा है। ये जो पुरुष आकृति है वो नारायण है और जो स्त्री आकृति है वो लक्ष्मी है। त्रिभंग मुद्रा में है। जो पुरुष आकृति है उसका सीधा हाथ जो है वो टूटा हुआ है कंधे कोहनी पे से, इसी तरह से महिला आकृति का उल्टा हाथ टूटा हुआ, जो सीधा हाथ है वो पुरुष आकृति के कंधे पर रखा हुआ है। बहुत प्यार से भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी देख रही हैं। आभूषण पहने हुए हैं, शरीर के हर अंग पर आभूषण है। ठीक, और ये कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में है। 30 मंदिरों का समूह है खजुराहो में, उसके अंदर कंदरिया महादेव मंदिर से एक ये मूर्ति शिल्प आपके सिलेबस में है। इसके अलावा इसी चैप्टर से एक है झांझर वादक। ये देखिए कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर के बाहर आपको एक झांझर वादक जो कि एक महिला आकृति है उसका चित्र यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। हाथ में एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक वाद्य यंत्र बजा रहा है नृत्य की मुद्रा में ये है, और गंग वंश शासक ने इसको बनाया था। इस मंदिर को काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये है एक स्त्री आकृति आपको दिख रही है, आम का पौधा, आम लटक रहे हैं बेल के चारों तरफ। मांबिका जैन धर्म में इनको मांबिका के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का चित्र है। ठीक है, एक शिशु का हाथ जो है वो अपनी माता के वक्ष पर है, यानी कि उसको भूख लग रही है। एक लालन पालन पोषण दिखा रखा है यहाँ पे, एक महिला किस तरह से अपने बच्चे का और फिर ऐसे प्रकृति का लालन पालन कर रही है। ठीक है, तो चित्र का नाम है माँ और बच्चा, विमल शाह मंदिर में है। महिला जो बैठी हुई है एक राक्षस के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में ये मूर्ति शिल्प है, जहाँ से ये आपके सिलेबस में 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, ये इसका विवरण है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। ये था आपका जो चैप्टर है शिल्पकला। शिल्पकला से सिर्फ यही सब आपके सिलेबस में आ रहा है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है भारतीय कांस्य मूर्ति, चैप्टर नंबर 6। तो कौन कौन सी कांस्य मूर्ति आपके सिलेबस में है? एक तो नटराज मूर्ति शिल्प आपके सिलेबस में, पूरे चैप्टर में से एक नटराज मूर्ति शिल्प येरी, जो कि चोल शासकों ने बनवाई थी। बहुत सारी नटराज मूर्ति हमारे बन चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो चोल शासन की यही वाली नटराज मूर्ति है, जो पहले की ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स पे भी छपे हुए आ जाती थी। तो ये जो अग्नि का गोला है इधर दिख रहा है, तो ये ना एक सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ अग्नि जल रही है जो कि पवित्रता का प्रतीक है। ये भगवान शिव हैं जो नृत्यरत मुद्रा में है, और ये उनके बाल हैं जो दोनों तरफ ऐसे अग्नि की ज्वाला की तरह घूम रहे हैं। जो इनका पैर है ये सीधा वाला पैर है, उस पैर के नीचे एक राक्षस है जिसको उन्होंने दबा रखा है, जो कि बुराई का प्रतीक है। ठीक है, उनका हाथ डोला हस्त मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। ये जो नटराज मूर्ति शिल्प है कांस्य धातु से बनी हुई है, तंजावुर तमिलनाडु से मिली है। 12वीं शताब्दी का इसका समय पीरियड है। बाकी सब आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर था इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो सबसे पहले वर्ड आ जाता है कि इंडो इस्लामिक है क्या। तो बेटा, इंडो इस्लामिक से यहाँ पर मतलब है कि इंडिया में बनी हुई वो सभी कलाकृतियाँ जो कि प्रभावित हैं इस्लाम से, इस्लामिक कला से, ईरानी कला से, यानी कि ऐसी कलाकृतियाँ जिनके अंदर
भारतीय और इस्लामिक दोनों कलाओं के तथ्य मौजूद हैं, वो कहलाती हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ठीक है, अब क्योंकि हम वास्तुकला पढ़ रहे हैं तो इसलिए, जैसे कि कुतुब मीनार इंडिया में बना है, कुछ कुछ विशेषताएं भारतीय कला की हैं, कुछ कुछ विशेषताएं ईरानी कला की हैं, तुर्की कला की हैं, ठीक है, इस्लामिक कला की हैं। तो ये एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला है जो आपके सिलेबस में है। कहाँ पर है ये? तो मेहरौली में है, दिल्ली में। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर से बनी है। 12वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। पहले ये 8 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें कि इसकी जो 3 मंजिलें थी वो गिर गई। अभी इसकी 5 मंजिल है। ठीक है, इसको हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार जो है वो इसी मस्जिद के गेट से होता है। ठीक, जो नीचे वाली मंजिल है उसका जो व्यास है वो ज़्यादा बड़ा है, और फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऊपर मंजिलें बढ़ती जाती हैं उसका जो व्यास है, परिधि का जो व्यास है वो कम होते जाता है। ठीक, इसके अलावा गोल गुंबद आपके सिलेबस में है, बीजापुर में है ये, और बीजापुर कर्नाटक में है। इसके चारों तरफ जो आपको ये मीनारें दिख रही हैं, इसका ये गोल गुंबद फेमस है बहुत ज़्यादा, और ये चार मीनारें, इन चार मीनारों में ये 8 मंजिलें इमारत हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मंजिलें आपको यहाँ पर ये दिखेंगी, है ना। और चौकोर है बिल्कुल, चार मीनार उसमें कौन सी होती है, वो चार बाग योजना से ये बना हुआ है, मतलब चारों तरफ दरवाजे इसके अंदर बने हुए हैं। और ये कौन सी? ईरानी कला की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और ये जो है मकबरा है वो मोहम्मद आदिल शाह है। इसको कौन सी शैली बोला जाएगा? इंडो इस्लामिक शैली। ठीक है, कब हुआ इसका निर्माण? 1659 ईस्वी में। किसने करवाया? मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक, ये था आपका बेटा पूरा का पूरा सिलेबस, ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका एनुअल एग्ज़ाम में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आपका पूरा सिलेबस है। होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो मेरी वीडियो को दोस्तों आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने क्लास ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएंगे कैसा गया आपका एग्ज़ाम, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहीं शिक्षा प्रभा में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।